तो दोस्तों मछलियों को हमने बेच दिया और बेचने के बाद में जो हमें पैसे मिले उससे हमने एक ट्रक चारा यानी कि मछलियों का जो फीड है वो मंगवा लिया। और जो हमारी फीड है अब पूरी तरीके से बंद गाड़ी में आती है, पहले ये तिरपाल लग करके आता था तो उससे भीगने वगैरह का खतरा रहता था, तो अब इस तरीके की कोई समस्या नहीं रह गई है। इस तरीके आप देख रहे होंगे कि पूरी कवर्ड गाड़ी है, ठीक है। तो फीड आने का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है और हम लोगों ने फिर से अब फीडिंग शुरू कर दी है मछलियों को। और आप देखिए अभी इसको चारा यहाँ पर डाला जाएगा और कितने बढ़िया तरीके से जो फीड है वो उठा रही हैं फिशेस। और इस बार जो मौसम है ना उसका भी साथ बहुत मिला, ज़्यादा बार बादल नहीं हुए तो मछली बहुत अच्छी हुई है, मछलियों ने लगातार फीड को उठाया है। तो जो वातावरण होता है, जो मौसम होता है, ये भी एक प्रमुख कारक है आपकी मछलियों के ग्रोथ के लिए। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया, ज़्यादा दिनों तक क्लाउडेड मौसम रहेगा, बादल घिरे रहेंगे, तो मछलियाँ आपका जो फीड है ये उठाती ही नहीं है। तो अभी जो भी तैयार है, जैसा भी तैयार है, हम लोग इससे संतुष्ट हैं और बेटर हम लोग कर सकते थे अगर हमारे पास में फीड का या कह लीजिए कि पैसे का इतना कमी नहीं होता और ज़्यादा हम लोग ग्रोथ ले सकते थे। तो हल्की हल्की सी ग्रोथ ली जा रही है क्योंकि जब समय आएगा तब उसको हम लोग बेचेंगे और जब रेट मिलेगा तब। ये देखिए एक दूसरा तालाब है, यहाँ पर भी फीड ये डाला गया है और बढ़िया यही चीज़ देखने के लिए हम लोगों की आँखें तरसती थी। हम लोग वीडियोज़ दूसरों के देखते थे तो वहाँ पर जो मछलियाँ फीड लेती थी तो एकदम पानी को जो है उड़ा देती थी। तो हम लोगों के केस में इतना बढ़िया हम लोगों ने इससे पहले कभी किया नहीं था जैसा कि आपने अभी देखा। तो जो लोग करना चाहते हैं आप लोग करिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि फीड के लिए अच्छा खासा अमाउंट आप लोग बैकअप के तौर पर भी रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मछली पालन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।